25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर नगर पालिका निगम भिलाई के सभागार कक्ष में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मलेरिया बीमारी सहित अन्य जल जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। यूं तो नगर पालिका निगम भिलाई का स्वास्थ्य अमला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की बीमारी और महामारी फैलने से पहले अलर्ट होकर कार्य करता है, परंतु फिर भी डेंगू और मलेरिया जैसी जल जनित बीमारियों के रोकथाम में निगम भिलाई सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। इसे देखते हुए जिला प्रशासन और निगम भिलाई प्रशासन की संयुक्त कार्यशाला विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर निगम भिलाई के सभागार में आयोजित की गई। इसमें सभी जल जनित बीमारियों को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों एवं इन प्रयासों को और अधिक तेज करने और कारगर करने पर चर्चा की गई, जिसमें एक बात सामने निकल कर आई है कि जिला प्रशासन हो या निगम प्रशासन का स्वास्थ्य अमला, जब तक आम जनमानस में जागरूकता की कमी रहेगी तब तक ऐसी जानलेवा बीमारियों से पूर्णतः मुक्ति पाना काफ़ी मुश्किल काम होगा। इसके लिए आम जनमानस को अपने घर एवं आसपास के क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति को समाप्त करना होगा। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल के अवसर पर निगम के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन और नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम प्रशासन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें जल जनित बीमारियों के रोकथाम एवं उपाय के संबंध में वहां उपस्थित लोगों को बताया जा रहा है जो फील्ड में उतर कर काम करते हैं, और उससे उसके बचाव डेंगू मलेरिया पीलिया जैसे जो बीमारियाँ हैं उसके रोकथाम के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। देखिए, जल जमाव जहाँ होगा वहाँ मच्छर पनपेंगे निश्चित तौर पे, और उसके लिए नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा जला आयल का जो गड्ढों में जो पानी जमा है उस पर जला आयल का मिलेथियान का छिड़काव और हाइड्रोक्लोरिक का धुआं का छिड़काव आदि का किया उपाय किया जा रहा है, लेकिन जब तक नागरिकों का सहयोग प्रशासन को नहीं मिलेगा तब तक इस पर पूर्णतः सफलता प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक कहावत है कि घर किसी एक व्यक्ति के सजाने से नहीं सजता, घर को सजाने के लिए घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग मिलना जरूरी है। उसी तरह अपने शहर को साफ स्वच्छ और रोग मुक्त बनाने के लिए भी निगम प्रशासन के साथ मिलकर आम जनमानस को भी सहयोग करना होगा। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।